नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो एग्जीबिशन है इसकी परिकल्पना राधा विनोद शर्मा जी द्वारा, जो लंदन में ईमा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा किया गया और ये गिरिराज केडिया व हते सिंह आर्ट सेंटर के कोलाब्रेशन में ये शो का आयोजन किया गया। मित्रों, ये मेरी छठवीं एकल प्रदर्शनी है जिसके कुछ वीडियोस के भागीदार आप भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप दूसरों से शेयर भी करें। एक रिक्वेस्ट है कि ये दूसरों तक पहुँचे, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन हम शुरू से करते आए हैं, दूसरों के एग्जीबिशन में करते आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे एग्जीबिशन में भी इसका। तो उम्मीद है आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे और वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। એમના હેડેક શેડ્યુલમાં બી અત્યારે એમને એમનો કિંમતી સમય આપે છે, તો હું સંસ્થાપતિ અને આજે સુધી તમારો ખૂબ આભાર માનું છું। ગોવિંદ વિશ્વાસ એ હી ઇઝ વન ઓફ ધ કન્ટેમ્પરરી આર્ટિસ્ટ કે જેમને બે વાર પોલો ક્રિમ્સર ગ્રાન્ડ એવોર્ડ મળ્યો છે અને ઘણા લગભગ 85 વધારે લોક શો અને સારા એવા સોલો શોઝ ઇન્ડિયામાં દરેક શહેરોમાં અને વિદેશમાં પણ કર્યા છે। હું સૌથી પહેલાં ગોવિંદ વિશ્વાસજીને કહીશ કે થોડા બે શબ્દો અત્યારે એમના કલાકૃતિઓ વિશે બોલે। पहले आप सभी का बहुत स्वागत है सर। आप हमारा बात ही बता रहा था, मिले नहीं पहली बार मिल रहे हैं। तो बस ये 10-12 साल के जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस जो कोविड के बाद ऐसा पहला मौका मिला कि अहमदाबाद में सोलो करने का, जो गिरिराज भाई और राधा विनोद शर्मा जी द्वारा ये मतलब कोलाब्रेशन में किया गया। तो ये सारे अलग अलग समय के काम हैं, कुछ अभी रिसेंट वर्क्स हैं। तो बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बांग्लादेश से इधर आए, तो मेरे काम में जो स्पेस और एक समय का जो एक अनुपात है वो दिखता है हर काम में। मैं कहीं ना कहीं उसका एक एसेंस रहता है, तो मैं उसी एसेंस के साथ काम करता हूँ। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोग देखिए और ज़रूर कुछ अपने जो शब्द हैं उसमें थोड़ा लिख के ज़रूर जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैं सोचता हूँ क्या आप लोगों को उस तरीके से कुछ ગઈકાલનું કાર્ય આવતીકાલે આવતીકાલે ગાડી સ્વિસ્ટ
सा पेंटिंग अभी देख लो या सिन्हा जी का देख लो, लेकिन इतना कॉन्टेम्प्रेरी है। जो अहमदाबाद आर्ट के बारे में बहुत सारे कॉन्सियस हो गए आजकल, और छोटे छोटे से एग्जीबिशन आ रहे हो कर रहे हैं, उसमें ये काम जो गोविंद जी का देख रहे हैं, इट गिव्स अ डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट इमेजिनेशन। तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा हिरेन पटेल जी का, वृंदावन सोलंकी जी का, नैना जी का और गिरिराज भाई का, और सभी आए हुए दर्शकों का जिन्होंने इतना अपना समय निकालकर इस प्रदर्शनी में आए ओपनिंग में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग शो को एंजॉय करें, और जो आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी समय बाद ये एक सोलो हो रहा है, लगभग 4 साल बाद मेरे 10 साल के काम का, क्योंकि जो अवार्डेड वर्क्स, जो ये हैंगिंग वर्क्स हैं, वह जो लेटेक्स के वर्क्स हैं जिसमें अवार्ड थे, वो किसी ने देखा नहीं। चलिए आइए दर्शकों से कुछ बात करते हैं, उनसे उनका अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। विजिटेड गोविंद विश्वास डी किड्स जर्नी, ही स्टार्ट्स विद डॉट्स एंड देन यू कीप कनेक्टिंग देम थ्रू आउट द एग्जीबिशन, and when you reach the end you visualize so many colors like scarlets and purples and blues, and it's amazing to be here. I like his solitary characters that he is interspersed within the maps. I would say it's abstract figurative, and you are amazed when you look at those tiny figures and they cross over the boundaries. You know, they just show that boundary doesn't exist. So it's like a very nice experience to visit this show. Thanks. थैंक यू सो मच प्रिया जी, और आपके इस खूबसूरत वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करने जा रहे हैं राधा विनोद शर्मा जी से, जिन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से एक बेस्ट विशेज वहाँ से भेजा है, वह आमंत्रित किया है सभी जनों को। Welcome to अनुभव एग्जीबिशन। Myself राधा विनोद शर्मा, आई एम artist and founder of imafoundation.com. I enjoy curating Govind Biswas Anubhav work of Pulo Krasnar Foundation grant 2012 and 2018. 2020 state S.H. Rajas, including recent creation of Govind's Anubhav exhibition is 8 September to 14 September. 8 September, Sri Hiren Patel ji will be opening Hathi Singh Visual Art Center, Ahmedabad. Acknowledge Secretary of Hathi Singh Visual Art Center, Giriraj Kadia, and Managing Trustee, respected Umang Hathi Singh ji. Every day 4 p.m. to 8 p.m. until 14 September 2022. Please not to miss Anubhav Govind Biswas solo exhibition Anubhav Journey, start from 2016. Thank you. Successfulness है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर वर्ष आपका बहुत कुछ बयान करें और लोगों को जैसे भी आज खुश हुआ हूँ। So basically we have seen this all his art, and it's like we don't have words actually, me and my wife and one of our relative, so we all three are agree on one thing, that the use of color, it's so vibrant, and all the theme is like so different work than what we have seen recently, so it feels like it's like a happy place, and we feel that this each and every second we have spent is worth spending here.
So thank you very much for inviting. And it's like we are so glad to see your work and wish you all the very best for your future endeavors. Thank you. तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राधा भाई का, रतिलाल सर का और रवि, जिन्होंने जो अपने शब्दों से इस एग्जीबिशन के और चार चांद लगाए, और आने वाले समय में और भी लोगों के जो वर्ड्स हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो आइए अनिल जी से बात करते हैं, उनको कैसा लगा एग्जीबिशन उस बारे में जानते हैं। पहले तो मैं गोविंद विश्वास को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे से ये जो लॉकडाउन का जो सैड पीरियड था उसका अच्छी तरह से उपयोग करके बहुत बढ़िया से अलग अलग मीडियम मिक्स मटेरियल पर काम किया है। लेटेक्स के ऊपर बिल्कुल अलग तरीके से सीट करके ऊपर लेटेक्स से ही करके उसने अच्छा सा काम किया है। दूसरी बात ये जो एरियल व्यू से जो उसका जो एक मैपिंग किया हुआ है एकदम से अलग है, मतलब एक सोचने का तरीका अलग है और सोचने के बाद उसको प्रेजेंटेशन कागज़ पर रखने का वो बिल्कुल नायाब तरीका है। तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। और उसमें उसने सब तरह के मतलब एनिमल्स का भी इस्तेमाल किया है, फॉर्म्स भी किया है और इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी है, रियलिस्टिक भी है। मज़ा ये है एक ही पेंटिंग में आपको दोनों मिलते हैं और दोनों डिसिप्लिन के काम है। और कलर की उसने कोई गुंजाइश मतलब छोड़ी नहीं है, जहाँ रेड की ज़रूरत है, कोबाल्ट की ज़रूरत है, ग्रीन की ज़रूरत है, बिल्कुल दिल से इस्तेमाल करके कोई भी नॉर्म्स में पढ़ने के बना है। उसने अपने दिल से जो अच्छा लगा वो बना है। बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई और बस ऐसे और न और काम करता रहे, ऐसी मेरी ओर से खूब खूब शुभेच्छाओं। गोविंद विश्वास जी आर्टिस्ट एंड माई फ्रेंड, उनका आर्ट शो अनुभव ये हटसिंग विजुअल आर्ट सेंटर में चल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग वर्क। एंड स्पेशली जो सेंटर में हैंगिंग इंस्टॉलेशन है दैट्स रियली इज ब्रिलियंट, और कैनवास पे भी वर्क्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अ मस्ट सी फॉर ऑल आर्ट लवर्स एंड एवरीबडी। आई विश यू गोविंद जी वेरी गुड लक and all success and all happiness. Thank you. गोविंद जी का एग्जीबिशन वैसे तो मैं सच बताऊँ तो पहली बार देख रहा हूँ, पर अमेजिंग काम है। उसमें उन्होंने जो अलग अलग मीडियम के साथ काम किया है, उसका प्ले किया हुआ है, मीडियम को अलग स्टाइल से दिखाया हुआ है। इसमें ऐसे तो कुछ मीडियम है जो मैंने पहली बार देखा हुआ है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया है और उसे डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया हुआ है। वेरी नाइस शो एंड विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर मेनी मोर शोज टू कम। थैंक यू। मैं अजय चौधरी जी और मनन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जो उन्होंने इस शो में मेरे कार्य के प्रति अपनी वक्तव्य रखा, मेरे काम के विषय में वो क्या सोचते हैं उस विषय में अपनी बात रखी, क्योंकि अनुभव का वो एक्सपीरियंस मेरे 10 साल के काम के एक्सपीरियंस हैं। और जो अवार्डेड हैं वो कुछ ये काम दिख रहे हैं। तो बने रहिए अगले भाग में, जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।